Shamimi Biba. Shamimi क्या माहौल बना हम जल के गानों पे झूम रहे थे आप. अच्छा आप पंजाबी फिल्मों में. आई वॉज डूइंग समी मेरी वार रीमिक्स एक्चुअली सॉरी. ऑलराइट टोनी क्या हाल है. आई एम फाइन हाउ आर यू. कमजोर हो गए हो. वेल या होना ही था. जहाज में एक तरफ इनके मीरा बैठी थी दूसरी तरफ रेशम बैठी जी और तीसरी तरफ मैं बैठा हुआ था. बीच में थे. हाँ मैं बीच में था जी. इकोनॉमी क्या इकोनॉमी नहीं कहती. हाँ इकोनॉमी इकोनॉमी क्लास में जा रही. मैं कहा जी इकोनॉमी में जा रही. हो नहीं सकता कि जहाँ रेशम हो मीरा हो और कोई मजेदार बात ना हुई. और मैं तो सफर में सोना चाहता हूँ और मुझे किसी ने सोने दिया ना. क्या बात. सारे मुझसे पूछा अच्छा आजकल क्या कर रहे हो. रोमांस हो रहा है किसी के साथ. क्या हो रहा है. मीरा ने हाँ वोट डाला है. मैंने कहा मेरी बात वोट डाली. बैठा तुमने वोट डाली. हाँ मैंने डाल दी. 15 लोग को डाल के आई. मैंने कहा तुम्हें डाल के फिर साफ कर दी. मीरा ने इनको वोट डाला होगा. वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हुए होंगे. वो नेल पॉलिश नेल पॉलिश तो नहीं समझ ली थी. नेल पॉलिश ही मैं समझ रही थी. हाँ वो वैसे वो कर सकती होगी. यहाँ लगा के तो सर साफ कर. जी मीरा ने जिसको वोट दिया होगा वो इस लिस्ट में भी नहीं होगा. उसका निशान भी नहीं. अपनी तरफ से कार्टून बनाया जाएगा कि नहीं इनको मिलना चाहिए और इनको इलेक्शन में भी खड़ा होना चाहिए. ये वो देख रही होंगी. देख वो सहेली है. अच्छा अच्छा कह सकती हूँ. मेरे को तो अपनापन होता है. वो देख रही होंगी पर समझ नहीं रही होंगी. गैस मेरे ऐसे उसने जहाँ मिलना और कहना ना दिया तो मेरी बड़ी किट लगाती हूँ. अच्छा। वैसे भी उसको 1.5 साल बाद समझ आई थी. शो पे हमने काफी किट लगाई. तो चीज सेफ. मेरी बात हुई कुछ फिल्म मेकर से. कहते हैं कि हमारे पॉप सिंगर्स. मैंने कहा आप क्यों नहीं लेते उनको अपने गाने. कह रहे उनकी आवाज पक्की नहीं है. वो नहीं फिल्म गा सकते. मैं बच्चियां दी आवाज. वो मतलब देखे मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा. यही बैंड है यही आर्टिस्ट है जो इंडिया की मूवीज में जाके गाते. इंडियन मूवीज पाकिस्तानी मूवीज इंडियन मूवीज से बेहतर तो नहीं है. तो वो भी तो ये टैलेंट यूज कर रहे हैं. ठीक है इन सम वे. मेरा ख्याल है द डिस्करेज या आप कह लें या जहां थोड़े से हम वो फील करते हैं कि पाकिस्तानी मूवीज को बहुत बेहतर होना चाहिए ताकि ये जितनी पॉप इंडस्ट्री है उसमें यूज हो सके. ठीक है ना. और वैसे भी अदर देन द पॉप इंडस्ट्री जो लोग म्यूजिशियंस यहां पर हैं लोकल म्यूजिशियन क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं फोक म्यूजिशियंस हैं वो इस इंडस्ट्री को सर्व कर सकें बजाय कि वो भाग भाग के कहीं और जाएं. आई गेस ये चीज काफी. आप लोग यहाँ से गाते हैं ना. यहाँ से आप यहाँ से गाया करें ताकि वो वाली बात निकले जो उनको चाहिए होती है ना. नहीं पता यहाँ से गाने के लिए फिर ये भी इतना होना चाहिए. फिर भी तो पूछना है रेट की. अदर से यहाँ नहीं पता एक्चुअली जिससे भी आपको ये कहा है ना इज वेरी राइट. प्लेबैक सिंगिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग. प्लेबैक सिंगिंग के लिए आपको ये होना पड़ेगा. ठीक है पॉप एंड रॉक जो है दैट्स अ पैकेज. एंड यू हैव टू मैच द एक्टर्स वॉइस. एग्जैक्टली इट्स योर वॉइस. साफ एक्सप्रेशन वगैरह सब चीजें. नहीं देखिए बिल्कुल खुदा के लिए फिल्म में भी तो पॉप सिंगर्स ने गाया. सब पाकिस्तानी ने गाया. बिल्कुल गाया है. बिल्कुल गाया है और बड़े अच्छे सिंगर्स ने गाया है. लेकिन द थिंग इज के प्लेबैक सिंगिंग जो है दैट्स टोटली डिफरेंट. मतलब कि अगर आप ये कहें कि सारे पॉप आर्टिस्ट प्लेबैक सिंगिंग कर सकते हैं. सारे नहीं कुछ ना कुछ. हाँ कुछ कर अभी कर रहे हैं. एटलीस्ट उनको नहीं गाना चाहिए. लेकिन आप लोग फिर वो गाने भी तो नहीं गाएंगे ना. नहीं आप देखो ना जिस तरह की मूवीज बन रही है कौन पॉप आर्टिस्ट जिसको इतनी मिल रही है फेम वो क्यों जाएगा. मैं एक और चीज बताऊँ. हमारे फिल्म में मेल प्लेबैक सिंगिंग बिल्कुल खत्म होगी. अच्छा पहले होती थी बहुत ज्यादा. पहले होती थी अब बिल्कुल खत्म होगी. लेकिन आई थिंक आजकल जो हमारा मीडिया कर रहा है इट्स अमेजिंगली गुड के म्यूजिशियंस के लिए बहुत अच्छा है. सबसे बड़ी बात दिस फर्स्ट टाइम इट इज टेकन एज अ प्रोफेशन के म्यूजिशियन जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो गया है. नहीं नहीं बिल्कुल. और अब पेरेंट्स जितना इनकरेज कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है कि जियो पे पाकिस्तान पॉप आइडल शुरू हो तो बहुत टैलेंट सामने आएगा. बिल्कुल घर वालों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए अब बिकॉज जब तक उनकी सपोर्ट नहीं होती इस प्रोफेशन में यू कैन नॉट एंटर. एक्चुअली बहुत सी चीजें देखी है. मेरे पास मुझे सिफारिशें आती है पिंडी जाऊं लाहौर जाऊं इतने सारे पेरेंट्स पहले आके कहते हैं ना दिया यार इसको मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है. मेरी बेटी का अभी तक भी मैंने नहीं सुना. अब इतने 2008 में भी बेटियों का नहीं मैं सुनती कि माँ बाप बताएं. लेकिन बेटों का बहुत ही डिमांड है यार पॉप सिंगर बन जाए किसी तरह. अच्छा गाना मैंने अभी तक एक नहीं सुनाया और कभी नहीं हुआ मेरे शो पे कि इतना देर गुजर जाए दिल नहीं जा रहा मेरा गाने गाने को. नहीं चलो हम गाते बिल्कुल जा रहा है. इतना इतनी चाय पी के ब्रेक ले लूं उसके बाद गाने होंगे. कुछ गाने सुनने हमने बहुत ही हमारा फेवरेट बैंड जल बैंड आया उनसे गाने सुनेंगे तो सेटिंग हो जाए. सी यू आफ्टर द ब्रेक. कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग जी.